खाना बहुत ज्यादा खाएं और आप मोटे ना हों, इसका पहला तो ये है, खाने से पहले पूरा ग्लास पानी दवाई समझकर आपने पी लेना। ग्रीन टी में शहद जो है ये आपकी जितनी एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो तो सारी बर्न कर देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं और अम्मी अभी हम जा रहे हैं, हम पहाड़ों पर आए हुए हैं और आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट। आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप जितना मर्जी खाना खा लें आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सो गेट रेडी फॉर सच टिप्स। अभी देखिए हम जहाँ पर है ना, हमें गाड़ी के नीचे नजर ही नहीं आ रहा कि हमने कहाँ से उतरना है। एंड हियर वी गो, इट्स अ वेरी ट्रिकी। अच्छा डोंट माइंड द वीडियो अगर वो बहुत ज़्यादा हिल रही है, क्योंकि मेरी माँ को पहली दफ़ा मैंने कैमरा पकड़ाया और मैंने कहा अम्मा ज़रा आप दिखा दें लोगों को कि हमारा घर जो है उसने मुझे पहाड़ों का एक्सपर्ट बना दिया। सो ये जो है ये भी हम कश्मीरी बाजार से गुजर हैं। हमारे घर के उतरते ही बहुत सारे स्टोर्स वगैरह हैं तो हमें कभी ग्रॉसरी का प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा ये अब हम बाड़िया बाजार के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो अक्सर जैम रहती है। अब हम जो है वो हम दूसरे प्रोविंस में दाखिल हो रहे हैं। ये फलाना लेकिन हालत जो है बाड़िया की हमने आपको दिखा दी है। So here I have reached जिनके घर मैंने जाना था। अब मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी एंड आई एम एंटरिंग द होम। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मैंने बहुत सारा खाना खाया, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टिप्स जरूर दूंगी कि खाना बहुत ज्यादा खाएं और आप मोटे ना हों, इसका पहला तो ये है। नंबर वन, खाने से पहले पूरा ग्लास पानी दवाई समझ कर आपने पी लेना। आपके जो स्टमक है ना वो पानी से काफी फिल हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाती है। नंबर टू, खाने के बाद पानी नहीं पीना, वो समझेंगे जो पानी पियेंगे ना आपकी बेली फैट जो है वो उधर डिपॉजिट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है वो मैं आपको बाहर जाके दूंगी, जी भर के खाएं जो मर्जी खाएं, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं अगर आप ये देख लेंगे तो आप कभी वेट गेन नहीं करेंगे। मैंने इतना ज़्यादा खाना खाया है, सो अनदर टिप इज़ कि जब भी खाना खाएं उसके बाद काउंट करके 40 स्टेप्स चलें। ये मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ, आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा जितना मर्जी खाएं। खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने से पहले पानी का एक गिलास पीना और खाना खाने के बाद 40 स्टेप्स चलना। सो हियर आई एम, मैं अपने 40 स्टेप्स पूरे कर रही हूँ। जब आप स्टेप्स ले रहे होंगे आपने नाक से सांस लेना और मुंह से बाहर निकालना, नाक से लेना मुंह से बाहर निकालना। इससे आपकी डाइजेशन भी तेज हो जाएगी, आपके लंग्स भी ठीक काम करेंगे और हो ही नहीं सकता कि आप खाने के बाद वेट गेन करें। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपने ऐसे वॉक करना है। ये छोटी छोटी टिप्स है, अगर ये आप अपने रेगुलर कर लें जिम का खर्चा भी बचेगा और आपको जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अब मैं चूंकि ज़्यादा एक्सरसाइजेस करके बता नहीं सकती हूँ, बट मैं आपको वो नेचुरल चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप कहीं पर भी घर के कॉर्नर में कर सकते हो। ये है कि अपने हाथों को आपने ऐसे मूव करना है, इससे आपके आर्म्स जिनके भी मोटे हो रहे हैं वो पतले हो जाएंगे। अगर आप ऐसे मूव नहीं करना चाह रहे सो यू कैन डू इट समथिंग लाइक दैट। हल्की हल्की सी एक्सरसाइज जो है ना, आप ये जो एक्सरसाइज है खड़े हुए हैं, अब अक्सर लोग ना ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, अब आप ऐसे करके खड़े ना हो, आप ऐसे कर लें फिर दूसरी साइड पर। So you can have your arm exercises like that. So ये जो छोटी सी एक्सरसाइज आप करेंगे आई एम श्योर कि इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और खाने जो मर्जी खाएं, पानी जैसे मैंने आपको बताया वैसे पिए, 40 स्टेप्स आफ्टर एवरी मील एंड यू आर स्टेमेंट स्मार्ट। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आपका वेट जो है ना वो कभी भी गेन नहीं हो सकता, कि आपने गरम गरम ग्रीन टी लेनी, किसी भी ब्रांड की गरम ग्रीन टी, और उसके अंदर आपने डालना है शहद। ग्रीन टी में शहद जो है ये आपकी जितनी एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो तो सारी बर्न कर देगा। यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी इंशाल्लाह।